राहुल गांधी के अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने के सवाल पर ये अमित शाह क्या बोल गए। नमस्कार, मैं श्रेया दुबे और आप देख रहे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अमित शाह ने मंगलवार को असम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, मुझे नहीं मालूम कि मीडिया जो दिखा रहा है वो सच है या नहीं, लड़ेंगे या नहीं वो भी मुझे मालूम नहीं। अमित शाह बोले, इतना कंफ्यूजन ये दिखाता है कि उसमें आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं है। यूपी में आज ऐसी स्थितियां बनी हैं, अपनी परंपरागत सीट छोड़कर भाग खड़े हैं। मैं नहीं मानता कि वो लड़ने की हिम्मत भी रख पाएंगे। यूपी में अमेठी और रायबरेली सीट पर चुनावी नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 3 मई है। अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी मैदान में है, वहीं रायबरेली से सोनिया गांधी इस बार चुनावी मैदान में नहीं रहेंगी। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अब तक नहीं किया है। बीजेपी ने यह भी कहा कि रायबरेली से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान अब हम कर चुके हैं। रायबरेली और अमेठी गांधी परिवार की सीट रही है। सोनिया गांधी रायबरेली से साल 2024 से सांसद थी, वहीं राहुल गांधी अमेठी से 2004 में सांसद रह चुके हैं। 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी से ही हराया था, मगर उन चुनावों में राहुल केरल के वायनाडा सीट से भी लड़ रहे थे और वहां भी उन्होंने जीत कर सांसद का पद अपने नाम किया था। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें, धन्यवाद।